What's up guys, welcome back to the video. So here war video 9 season 24 की and I guess अभी जो war 8 और 9 जो है दोनों साथ में ही अपलोड करूँगा मैं ये रात को जो है war 8 वाली अपलोड में कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो मेरे को वापस री अपलोड करनी पड़ेगी साथ में ही कर देंगे एंड आज मैं है जो थोड़ी अलग सी टीम लेके आया हूँ वॉर अभी वॉरलॉक के अपना ओमेगा रेड तो है नहीं यहाँ पर सो मैग्नीटो लेके आया हूँ एंड देन कॉर्वस है कॉर्वस ऑब्वियसली ब्लीड रेजिस्टेंस है जब तक कि उसके ग्लेव चार्जेस एक्टिव है तब तक एंड वॉरलॉक तो वैसे भी है ही ब्लीड और पॉइजन इम्यून तो काफ़ी अच्छा रहेगा तो सबसे पहली फाइट है यहाँ पर वॉइड के साथ एंड वॉइड जो है मेनली उसका डैमेज जो है डीबफ से आता है तो मैं अपना जो है 10 हिट्स है वो मैं मैचअप करने वाला था उसके टाइमर के हिसाब से बट यहाँ पर ठीक से हो नहीं पाता एक दो थोड़ी सी टिक हो जाती फिर भी काफ़ी सारी हेल्थ जो है जल्दी से जा रही है एंड बेसिकली यही चीज़ मतलब वॉर्ड के साथ खेलो ना तो कभी कभी ऐसे ही रहता है कि क्या होगा कि अगर संभव मेरे ऊपर डिबर्स आ जाते थे मेरी हेल्थ जा रही है तो हम जो है ना पैनिक हो जाते हैं मतलब मैंने नोटिस किया है मैं खुद से नोटिस किया कि अगर मतलब 3 से 4 जो है डिबर्स ज़्यादा हो जाते हैं ना तो हेल्थ जा रही है वो देख के ऐसा लगता है यार अभी हेल्थ जा रही है अभी बस मर ना जाए फाइट ख़त्म हो जाए तो अच्छा है तो हेल्थ पे मतलब वॉइड के साथ ना हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए जितना हो सके ना उतना जल्दी वॉइड को किल कर देना चाहिए और हो सके तो प्यूरीफाई डीबफ्स वाले चैंपियन ले जाओ अगर ना हो सके तो मेनली 10 हिट्स वाले प्यूरीफाई पर ध्यान रखना चाहिए क्योंकि जैसे ही आप 10 हिट्स क्रॉस करोगे तो वैसे भी जो है नॉर्मल वॉइड के डीबफ्स है वो प्यूरीफाई हो जाते हैं हमारे ऊपर से तो ठीक है वही करना है एंड देन कॉर्वस इसलिए लाया क्योंकि हमको एक बॉस फाइट लेनी है मैं सोच रहा था कि ये ट्राई करेंगे अगर बॉस को सोलो हो पाया तो ठीक है नहीं तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि लास्ट में अपोकलिप्स है बॉस एंड उसको मैं ह्यूमन टॉर्च लेके गया था तो इतना कुछ खास चला नहीं तो मैं सोचा वॉलो कॉर्वस लेके आता है एंड कॉर्वस को ला के मैंने सबसे अच्छी चीज़ ये कि मैंने यहाँ से एवेंजर चार्ज ले लिया एक प्रेस्टीज चार्ज जो कि मिलता है काफ़ी इजीली मिल गया था ज़्यादा कोई दिक्कत थी नहीं इवेंट भी अच्छा खासा कर रहा था वो वेट भी कर रहा था एंड यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है एक दो हिट्स ले लेते बस दिक्कत की बात नहीं है कोई फाइट जो है यहाँ पर काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गई तो या मतलब इतना कुछ डिफिकल्ट था नहीं एंड देन मूविंग ऑन टू सेक्शन नंबर 2 हम लोग जाएंगे पाथ नंबर 6 वाले पाथ में सेंटर में थर्ड वाला पाथ एंड यहाँ पर यूजुअली है ना अग्रेसिव फ्यूरी होती है अग्रेशन फ्यूरी एंड मैं सोच रहा था कि यहाँ पर किसके लिए ऑब्वियसली मैग्नेटो तो नहीं ले जा सकता क्योंकि उसके अटैक्स जो है वो एनर्जी बेस्ड है तो बेसिकली ह्यूमन टॉर्च को है जो स्मोल्डर चार्जेस देने नहीं है एंड कॉर्वस को ना एक्चुअली मैं बचा रहा था नेक्स्ट फाइट के लिए क्योंकि आगे है ना वॉस पे तो वो मैं सोच रहा था कि शायद अगर वॉस इवेट करेगी तो एक प्रेस्टीज चार्ज जो है उधर से भी आ जाएगा बट देखेंगे तब तक तो इसलिए फिर मैं लेके नहीं गया एंड देन मैं वॉरलॉक लेके गया बेसिकली इस फाइट के लिए ज़्यादा कुछ करना था नहीं अगर मैं स्पेशल अटैक भी यूज़ करता तो भी मैं स्पेशल 3 यूज़ करने वाला था एंड उसने जो है विल पावर मास्टरी लगा के रखी थी एंड आई गेस लगा के ये नहीं इसमें नहीं लगाई थी इसमें शायद नेक्स्ट वाले में लगाई थी कहीं पर तो लगाई थी किसने जो वहाँ पर मेरे को इजी पड़ा था एंड यूजुअली मैं स्पेशल 3 यूज़ इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि अगर अपोनेंट के ऊपर रेड वाला टेक्नो ऑर्गेनिक वायरस है तो जितने वायरस होंगे उसके बेस पर थोड़ी सी हीलिंग मिलती है आई गेस 3 से 4% की काफ़ी अच्छा है एंड प्लस ऊपर से स्पेशल 3 में हमको कोई रिकॉल डैमेज नहीं मिलता तो और भी अच्छा है तो ये मतलब मैं इस पॉइंट पर यहाँ पर सोच रहा हूँ कि अगर मेरा वॉरलॉक थोड़ा अवेकंड होता ना तो काफ़ी अच्छा रहता थोड़ा बहुत डीजनरेशन का डैमेज होता बट कोई दिक्कत की बात नहीं वैसे भी वो हील नहीं करेगा क्योंकि टेक्नो ऑर्गेनिक वायरस जो है पैसिव हील ब्लॉक है एंड देन हम जाते हैं नेक्स्ट वाली फाइट पर वॉस वाली यहाँ पर मैं वॉस के लिए ना मैग्नेटो भी यूज़ कर सकता था जो कि उसका इवेंट एकदम टोटली शट डाउन कर देगा तो कोई दिक्कत की बात थी नहीं बट मेरे को जो है उसका इवेंट चार्ज चाहिए था एंड कॉर्वस जो है जो कि शॉक इम्यून है पैसिवली जब तक कि उसके ऊपर ग्लेव चार्ज एक्टिव है वो 20 चार्जेस उसके एक्टिव है तब तक एंड वॉस्प के ऊपर नोट था अग्रेशन प्रोवेस बेसिकली जो नॉर्मल 1-2 सेकंड में जो है एक प्रोवेस मिलता है और फाइट जो है मतलब उसकी स्पेशल अटैक जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं एंड वॉस्प एक एक्चुअली ना ग्लास कैनन चैम्पियन है जिसका मतलब उसकी हेल्थ बहुत कम है बट एट द सेम टाइम अगर हेल्थ कम है चैम्पियन की तो अटैक भी उतना ज़्यादा है तो यहाँ पर बेसिकली अगर उसको किल करना हो परफेक्टली फाइट जाए तो आप बहुत ही इजीली किल कर सकते हो अगर उसने 1-2 हिट भी कर दें तो मैं लिटरली उधर मर सकता था
मतलब इतना जो है डिफ़िकल्ट हो सकता है। एंड देन हमको मिनी बॉस मिला है इस बार ओमेगा रेड, एंड ओमेगा रेड को काउंटर करने के लिए डेफिनेटली कोई एक अच्छा खासा रोबोट चाहिए। बॉलर से अच्छा तो मेरे लिए कोई रोबोट है नहीं अभी तो, सो हम डेफिनेटली उसको लेके जाएंगे। स्पेशल टू बायस है, एस्पेक्ट ऑफ इवोल्यूशन है, सेम वही चीज़ है। एंड हाँ, यहाँ पर इसने जो है विल पावर मास्टरी लगा के रखी थी, तो वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि वो उसको 2 बार्स ऑफ पावर तक जाने के लिए रोकता है, एंड प्लस ऊपर से उसकी कोई भी हीलिंग होगी वो रोक देगी, तो वाई नॉट। एंड ऊपर से ब्लीड थोड़ा, अगर मैं उसके ऊपर ब्लीड अप्लाई भी करता हूँ तो भी मेरे ऊपर जो है ज़्यादा डेथ स्पोर नहीं अप्लाई होंगे क्योंकि मैं रोबोट चैंपियन यूज़ कर रहा हूँ। एंड अगर मैं दूर जाता हूँ, एक दो अप्लाई हो भी जाते हैं डेथ स्पोर, तो मैं जैसे ही पीछे जाऊँगा सार के सारे एक ही बार में उतर जाएंगे, तो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड यहाँ पर है ना, मैं ज़्यादा अपना ऐसा नहीं सोच रहा था कि ये वॉरलॉक की आखिरी फाइट है, मैं स्पेशल टूल यूज़ कर दूँ, ये यूज़ कर दूँ। हम लोग ऐसे सोच रहे थे कि अगर अपोकैलिप्स जो है एक बार में नहीं किल हुआ तो एटलीस्ट मेरे पास दूसरा चैंपियन होना चाहिए जिससे मैं जाके फाइट कर सकूँ, तो इसीलिए जो है मैं वॉरलॉक की जो है हेल्थ बचा रहा था, नहीं तो मैं चाहता तो उधर स्पेशल टू यूज़ कर सकता था, शायद जो वो एक स्पेशल टू में मर भी जाता, नॉट सो श्योर, बट या मतलब मैं रिस्क लेना नहीं चाहता था। एंड ऐसा करके हम सेफली जो है मैंने इसकी वॉरलॉक क्या ओमेगा रेड वाली फाइट ख़त्म कर दी, मिनी बॉस को डिफीट कर दिया। एंड मूविंग ऑन टू बॉस, फाइनल बॉस। एंड फाइनल बॉस के लिए हमने जो है, यहाँ पर मैं इसके चेक करता हूँ कि नहीं, पहले तो मैं ना बहुत सारे जो है बूस्ट लगा लेता हूँ फिर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे डिफेंस में लिटरली मेरे को कोई किल नहीं मिला था, मतलब मेरे को एक चीज़ तो वो रखनी थी कि हो सके तो ट्राई करो कि ना किल हो पाए। मैंने देखा कि काफ़ी कम किल्स दिए उन लोगों ने, तो काफ़ी अच्छा है। एंड यहाँ पर जो है मैंने बूस्ट लगा दिए थे, जस्ट मैं चेक कर रहा था कि बूस्ट ठीक से लगे हैं या नहीं या तो फिर कोई रह गया बूस्ट। सो मैंने जो है एक मीडियम हेल्थ बूस्ट, अटैक बूस्ट, और एक जो है मैंने पावर गेन बूस्ट भी लगाया था जिससे अगर मैं जितना अमाउंट ऑफ स्पेशल डैमेज करूँगा ना उतनी पावर मेरे को मिलेगी। तो बेसिकली यही चीज़ करनी थी मेरे को कि मेरे को है ना सबसे पहले स्पेशल टू पर जाना था, बट यहाँ पर पता नहीं वो क्यों, मतलब उसने मेरे को पैरी कर लिया लिटरली। मैं सोच रहा था कि मेरे को यहाँ से इस कॉर्नर में से बाहर निकालो, एंड इस पॉइंट पर मैंने लिटरली कोई डैमेज किए बिना मेरी हेल्थ आधी हो गई है। मैं बोला हो गया, पिछले टाइम जैसा ही हो गया, इस बार तो कुछ सोलो बोलो कुछ होने नहीं वाला ये वो। एंड देन फिर बहुत डिफेंसिव होगा, पता नहीं उसकी प्ले स्टाइल जो है काफ़ी डिफेंसिव होगी। एंड मैं सोच रहा था कि चलो अच्छा है, मैं स्पेशल टू यूज़ करूँगा तो उसकी पावर ड्रेन हो जाएगी। पता नहीं आपको पता है या नहीं, कॉरोस का स्पेशल टू अगर अपोनेंट स्पेशल 3 पर हो एंड आपने स्पेशल 2 यूज़ किया हो एंड आपके ग्लेव चार्जेस एक्टिव हो तो आप जो है पावर ड्रेन करोगे, तो काफ़ी अच्छा है, ऐसी पॉइंट पर बचा सकता है। एंड वो स्पेशल 2 ने हमको काफ़ी अच्छा खासा पावर गेन दे दी थी, एक या दो कॉम्बो किया, एक और स्पेशल 2 हमने लॉन्च किया एंड वो इनफ पावर दे देता है एक और स्पेशल 1 लॉन्च करने के लिए। तो या आई मीन वी किल्ड हिम, वी सोलोड हिम, एंड आई मीन काफ़ी टाइम बाद जो है मैंने स्पेशल मतलब सुसाइड मास्टर्स लगा के जो है मैंने उसको सोलो किल किया, तो या काफ़ी अच्छा है। एंड देन हमारा फाइनली रिजल्ट आया था कि हम लोग वॉर जीत गए प्लस 65 पॉइंट्स, तो काफ़ी अच्छा है। दो आई गेस दो वॉर हारने के बाद जो है हमको ये वॉर वाली रिजल्ट मिली है। तो या इतना सा था वीडियो, एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।